को। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, हेलो एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल पार्ट ऑफ एकेडमी नाउ। बहुत दिन से आप लोगों को इंतजार था, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे लगातार कि मैम एलआईसी का ठीक है। तो कल आपसे डिस्कस किया गया था इसका डिटेल्ड सिलेबस जो भी आना था, और मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आप कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपको ये भी बता दिया रात के 12 बजे वाली क्लास से भी आपको हेल्प मिलेगी, बिकॉज इसके सिलेबस में लिखा हुआ है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एवरीथिंग, ठीक है। तो अपने एंड से कोई भी चांस नहीं लेना है हम लोगों को, ठीक है, किसी को भी कोई भी चांस नहीं लेना है। आप लोगों को बस क्या करना है, सारे सेशन अटेंड करने हैं। इफ यू कैन ज्वाइन प्लस डू ज्वाइन, क्योंकि वो भी आपको बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है एट द एंड। ओके, चलो शुरू करते हैं सेशन को। अभी आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट सा दिखेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द सेशन और बढ़ते हैं हम लोग सेशन की। पहला सवाल देखिएगा कि यूएन के अकॉर्डिंग, यूएनईपी के अकॉर्डिंग एमिशन गैप रिपोर्ट जो है, जो कि गैस एमिशन में है, वो बताया कि गैस एमिशन कितने से बढ़ गया है, जो गैस एमिशन है वो बढ़ा कितने से है। 1.8%, 1.5, 1.6 या 1.7, कितने से बढ़ गया बताना। सी, अगर हम लोग बात करें तो हर साल जो है ना, जो एमिशन गैप रिपोर्ट है उसने क्या बताया कि जो गैप बिटवीन एस्टिमेटेड एमिशन 2030 में है वो लेवल कंसिस्टेंटली बढ़ता जाएगा आपका। कैसे बढ़ता जाएगा? 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। अभी आपसे पूछा है कि अभी कितने का राइज शो करा है, तो इसका आंसर होगा 1.5% का जो है इसने राइज शो करा है। और जैसा बताया गया है 2030 तक से, अभी में आप लोग देखोगे तो 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ता जाएगा, जैसा कि आपका पेरिस एग्रीमेंट में एक टारगेट बताया गया था, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, शौकत कैफी वॉज रिनाउंड एक्ट्रेस ऑफ विच सिनेमा। शौकत कैफी किस सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, तमिल, तेलुगु, हिंदी या गुजराती? डू आंसर फास्ट। कई सारी मूवीज में आप लोगों ने इन्हें देखा होगा, जैसे बाजार, उमराव जान, ठीक है, ऐसी कई सारी मूवीज में इन्होंने जो है लीड रोल भी किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है ये किस तरीके की एक्ट्रेस थी, कौन सी मूवी की, ऑब्वियसली जब हमने ऐसी मूवीज का नाम ले लिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी हिंदी। हिंदी मूवीज की रेनाउंड एक्ट्रेस मानी जाती थी। ओके, किसकी बात हुई, शौकत कैफी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, जितने भी लोग देख रहे हो ना, जो भी लोग देख रहे हो अभी, सभी लोग एक एक बार इसे शेयर कर दो। कोशिश करो कि सही की बात पे फोकस करो, कोई भी बेकार बात पे नहीं। इतने जल्दी आंसर करो कि सबसे पहला आंसर जैसा तुम लोगों का ही है। ओके, दो तीन बच्चे अभी नहीं देख रहे रेगुलर वाले, उनको भी बुला लाओ, ठीक है। चलो फिर देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर देयर, कितने तरीके का इंश्योरेंस होता है, 2, 4, 5, 6। ये थोड़ा अच्छा सवाल है और बहुत इजी सवाल है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज बहुत करेगा, क्योंकि जब आप लोग इसको क्रोम पे सर्च करोगे तो बहुत सारे आंसर्स आपको दिखा देता है। अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इंश्योरेंस कितने तरीके का होता है। अगर हम लोग देखो सीधी सीधी सी बात कर लें, तो जो इंश्योरेंस हम लोग देखते हैं ना, इंश्योरेंस बेसिकली हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है लाइफ और एक होता है जनरल, ठीक है। एक होगा लाइफ, एक होगा जनरल। लाइफ का मतलब आप लोग जान रहे हो, जो लाइफ इंश्योरेंस देता है। जनरल में बाकी सभी कैटेगरीज आ जाती हैं, तमाम, जैसे आपका कार, होम इंश्योरेंस, कार हो गया आपका, फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या आपका कह सकते हो कि मोबाइल का आजकल चल गया है, जितने भी और इंश्योरेंस आप लोग देखते हो ये सब जनरल के अंडर आता है। तो बेसिक जो कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं वो दो के बीच में होता है, एक लाइफ होता है, एक जनरल होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कब नेशनलाइज किया गया था? जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 78 में, 23 में, 56 में या 67? क्या आंसर बताना, जल्दी जल्दी बताओ। सी, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है इसको कब आपका सेक्टर को नेशनलाइज किया गया था। तो देखो, जो सरकार थी हमारी, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस 19 जनवरी 1956 को इशू किया था, जिसमें उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया गया था, और उसी समय LIC आपका एग्जिस्टेंस में भी आया था। ठीक है, LIC जो है वो लगभग 154 इंडियन कंपनी, 16 नॉन इंडियन इंश्योरेंस, ठीक है, और 75 लगभग प्रोविडेंट सोसाइटीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर दिया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1956। 72 में आपका जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है उसको पास किया गया था, और वो आपका फिर उसको क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था 1 जनवरी 1973। ठीक है, खैर इसकी बात आपसे पूछ रहा था कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कब किया गया था, ये किया गया था 1956, जब फिर आपका LIC आ गया था एग्जिस्टेंस में, और LIC ही हमारे वहाँ की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भी मानी जाती है। जो भी आप लोग देखोगे ना, जो भी अगर कोई नया स्कीम आ रहा है जो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, सरकारी स्कीम, तो जनरली उनका LIC के साथ ही पैक्ट साइन होता है। फिर देखिए, कौन सी समिति ने सजेस्ट किया था IRDAI का एस्टेब्लिशमेंट, कौन सी कमिटी ने सजेस्ट किया था IRDAI का एस्टेब्लिशमेंट, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी। विच कमिटी सजेस्टेड, देखो 1993 में मल्होत्रा कमेटी थी जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट IRDA के लिए अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया था, ठीक है, और मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए IRDA को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था 1999 में। ठीक है, इसी के साथ साथ IRDA एक्ट आपका जो है पास हो गया था, और IRDAI को एक स्टैट्यूटरी बॉडी अप्रैल 2000 में बना दिया गया था। क्वेश्चन क्या था, कौन सी कमिटी ने बोला था, तो आंसर विल बी मल्होत्रा कमिटी। IRDAI क्या होता है, जितने भी आपके IRDA हम लोग बोल रहे हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये जितने भी आपके वहां पे इंश्योरेंस रिलेटेड चीजें हैं उन सभी को जो है ना, सभी को रेगुलेट करता है, हर एक चीज को यही रेगुलेट करता है। ठीक है, चलो अगला देखिए, हम लोग अगला क्वेश्चन है, कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जीवन बीमा कंपनी कितनी है, 12, 45, 24, 56, जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस अगर लिखा होता तो आंसर बदल जाता, टोटल नंबर होता है 58, लेकिन टोटल नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। नॉन लाइफ इंश्योरेंस की हम लोग बात करें तो वो 34 है, 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोग देख लो इंश्योरेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कितनी हो जाएंगी, जल्दी जल्दी बताना फटाफट फटाफट, द आंसर इज 24, ये आप लोग इससे माइनस करके समझ सकते थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले, ये रहने दो बिकॉज इसके आंसर, इसके ऑप्शन थोड़े और बेटर करने होंगे। देखिएगा, किसने जो है लद्दाख के लिए विशेष शीतकालीन ग्रेड डीजल तैयार किया है, BPCL, HPCL, वेदांता या IOCL? जो भी लोग देख रहे हो आंसर करते जाओ, आंसर करते जाओ, जल्दी जल्दी एवरीवन। देखो, एक स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल जो है लॉन्च किया गया है IOCL द्वारा हाई अल्टीट्यूड रीजन के लिए, जैसे कि हो गया कारगिल, लद्दाख, काजाकेलोंग, इन सभी के लिए। ठीक है, ये जो फ्यूल है इसको प्रोड्यूस किया गया है पानीपत रिफाइनरी, ठीक है, और बताया जा रहा है कि जो भी बहुत ठंडे मौसम होते हैं ना उसमें ये बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस के लिए इसको बनाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, किसने बनाया, IOCL। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, आरएन काव जेंटल स्पाई मास्टर हैज बीन ऑथर्ड बाय, आरएन काव जेंटल स्पाई मास्टर को किसके द्वारा लिखा गया है, AP गोयल, रोशनी राजाराम, नितिन ए गोखले या विजय गोयल? डू आंसर फास्ट, फटाफट। देखो, ये जो किताब है इसको लिखा गया है जो रॉ के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, ठीक है, रामेश्वरनाथ काव, और किसके द्वारा लिखा गया है, इसको लिखा गया है नितिन ए गोखले, ठीक है, ये आपके सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, सो आंसर विल बी नितिन ए गोखले। किसके लिए लिखा गया है, जो फाउंडिंग फादर माने जाते हैं हमारे वहाँ के एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के,
ठीक है, इनको माना जाता था, तो ये भी इनका भी नाम जो याद रखेगा, बिकॉज समहाउ हम लोग देखे तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ओके, सो अगला देखो, कौन से दो राज्य में जो है बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होता है? राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बिहार, बिहार राजस्थान या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश? अगर यहाँ पे वुमेन आ जाती तो बदल जाता आंसर. ओके, टाइप योर आंसर्स. व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी बताओ. सी, इसका आंसर आप लोगों को दो मिल सकता है, कई जगह आपको जम्मू कश्मीर बिहार मिलेगा, कई जगह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी मिलेगा. ठीक है, यस. बेसिकली अगर आप लोग जैसे टोटल उसके बेसिस पर देखोगे ना, अगर रिपोर्ट्स के बेसिस पे, तो दैट वुड बी मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश होंगी. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट वॉज हेल्ड इन इम्फाल, कौन सा संस्करण था पर्यटन मार्ट का जो कि अभी अभी इम्फाल में आयोजित किया गया? 7, 6, 8 या 9? सी, 23 से 25 नवंबर के बीच में इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, और कौन सा संस्करण था ये क्वेश्चन पूछा है. द आंसर वुड बी 8th एडिशन था. ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा. खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत IMAC द्वारा कितना राशि को मंजूरी दी गई थी? ठीक है, कितने अमाउंट वॉज क्लियर्ड बाई IMAC अंडर द फूड प्रोसेसिंग स्कीम? जैसे अभी आप लोग देख रहे हो ना कि जैसे प्याज वगैरह वाला आप लोग देख रहे होगे किस तरह से चीजें सड़ जा रही हैं, किसानों को कितना नुकसान हो जा रहा है, तो सरकार लगातार लगी हुई है, कुछ कोशिश कर रही है कि ऐसी फूड प्रोसेसिंग मशीन्स वगैरह आए, जैसे कि मेगा फूड पार्क खुलने की बात हुई थी जिसपे वर्ल्ड बैंक ने लोन भी दिया था, तेलंगाना में खुलेगा, और ऐसी बहुत सारी बातें हो रही है. ठीक है, तो कितने अमाउंट को भी क्लियर किया गया IMAC द्वारा फूड प्रोसेसिंग स्कीम के लिए? 272 करोड़, 271, 273, 274. एकदम क्लोज आपको दिख रहा है ना सारे ऑप्शन, और ये बहुत टफ हो जाता है सवाल. देखो, द आंसर विल बी, यस, द आंसर विल बी 271 करोड़. एकदम आराम, मतलब बहुत ही क्लोज आंसर था तो ये टफ लगने लग जाता है. द आंसर इज 271 करोड़. और एक और भी चीज है, एक आपकी कमिटी भी बैठाई गई थी. ठीक है, कौन सी कमिटी थी? इंटर मिनिस्ट्रियल आपकी अप्रूवल कमिटी बैठाई गई थी, जो कि किसके अंडर थी? फूड प्रोसेसिंग. फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है हमारे वहां पर? हरसिमरत कौर बादल जी. हरसिमरत कौर बादल. फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन, न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 कहां पर आयोजित किया गया, कौन से राज्य में? हाँ भी बताइएगा कौन से राज्य में इसको आयोजित किया गया है. देखो, न्यूजेन मोबिलिटी समिट जो है आपका 27 से 29 नवंबर हुआ. ठीक है, और कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? ये गुड़गांव हरियाणा में किया गया था. सो द आंसर विल बी हरियाणा. फिर अगला क्वेश्चन, कौन सी एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी RBI के द्वारा जिसने अपनी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कंकरेंट ऑडिट सिस्टम पे? कंकरेंट ऑडिट सिस्टम का क्या मतलब होता है? ऑडिट समझते हो कोई चीज को चेक करते रहना. कंकरेंट का मतलब होता है रेगुलर टाइम इंटरवल पे लगातार चीजों को चेक करते रहना ताकि चीजें सही तरीके से जाएं. ठीक है, तो कंकरेंट ऑडिट सिस्टम पे आपकी कौन सी कमिटी बैठी थी? YH मालिकम, TN मनोहरम, शिवजी विकामसे या स्वामीनाथन गुरुमूर्ति? जल्दी आंसर करिएगा. सी, द आंसर विल बी YH मालिकम. YH मालिकम जी की अंडर इनकी एक जो है कमिटी बैठी थी जिन्होंने अपने अलग अलग दिशा निर्देश दिए कंकरेंट ऑडिट सिस्टम पर. हम लोगों के वहां पे ऑडिट में भी जो है दिक्कत होती है, बैंकों में बहुत सारे घपले वपले भी इस वजह से भी हो जाते हैं बिकॉज ऑडिटिंग भी ज्यादा सही समय पे होती नहीं है. तो इन्होंने कुछ अपने जो है गाइडलाइंस दी हैं, और गाइडलाइंस में देखो अगला क्वेश्चन इसी पे ही है. हाँ, गाइडलाइंस में एक ये भी बात इन्होंने कही थी कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ कंकरेंट ऑडिटर्स एज पर द रिवाइज्ड RBI.
गाइडलाइंस, ठीक है। तो अभी जो इनकी कमिटी ने नया नया दिशा निर्देश दिया है, इसमें कंकरेंट ऑडिटर का रिवाइज टाइमलाइन कितना होगा, यानी कि कितने दिन पे इसको दोबारा से किया जाएगा, 2, 7, 5, 3, ठीक है। सॉरी, इनकी टेन्योर कितने की होगी, 2, 7, 5, 3। देखो पहले 5 हुआ करती थी, लेकिन अब 5 को घटा के 3 कर दी गई है। अब 3 साल का इन सभी का टेन्योर हो गया है। फिर देखिए एएमसी हाल फिलहाल खबरों में था, एम से क्या होता है, एएमसी में एम से क्या होता है, जो भी लोग देख रहे हो शेयर कर दो भाई एक एक बारी, डू शेयर इट वंस। जैसा आपसे कहा गया था, आपकी क्लासेस आ चुकी हैं, ट्रैक पर आ चुकी हैं, आप लोगों को बस एक काम करना है, आप लोगों को एक बार शेयर कर देना है। ओके, चलो इसका आंसर क्या होगा, एएमसी न्यूज में था। एएमसी क्या होता है, एमसी होगा आपका मैनेजमेंट। एएमसी होता क्या है, द नेम, द फुल नेम इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो एम से क्या हो गया, मैनेजमेंट। देखो ये क्या करती है काम, जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना इन्वेस्टर्स वगैरह, ये उनके पैसे को लेके और ले जाके कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट करती है। आप लोगों ने तो अपने पैसे दे दिए किसी बड़े फंड्स में, हेज फंड्स वगैरह में, अब ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटीज को देखते हुए, जिससे आपको प्रॉफिट मिले और आपका लॉस ना हो, ठीक है। तो ये काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी का होता है, और एम से क्या हो गया, मैनेजमेंट। हालांकि इसका बहुत लंबा फंडा है, जो हम लोग फिर कभी करेंगे आराम से जब क्लासेस होंगी इसकी वापस से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑथोराइज कैपिटल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कितनी कर दी गई है, 3500 करोड़ से। भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए हो गई है, 8000, 10000, 11000 या 9000 करोड़। देखो एक कैबिनेट कमेटी बैठी थी इकोनॉमिक अफेयर्स पे, जिन्होंने इंक्रीज किया ऑथोराइज कैपिटल इनका, और ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा करके 10000 करोड़ कर दी गई है। सो द आंसर विल बी 10000 करोड़, ठीक है। और ये जो कमेटी बैठी थी, ये मोदी जी के अंडर ही बैठी थी। ओके, ये क्वेश्चन जो है हम लोग कल करेंगे इजिली, बिकॉज काफी लंबा सारा होगा इसमें। कौन सी देश ने केंद्रीय बैंक के गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाने के लिए सिख प्रतीक का प्रभावित करते हुए 3 सिक्के 100, 1000 और 2500 मूल्य वर्ग जारी किए हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका। आंसर करिएगा, ओके। देखो भाई ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया आपके नेपाल द्वारा, नेपाल ने जारी किया है ये 3 सिक्के, और ये अवेलेबल भी किया जाएगा, ठीक है, इसको अवेलेबल भी किया जाएगा। ओके, नाउ डू आंसर मी वन थिंग, हु इज द गवर्नर ऑफ नेपाल राष्ट्र बैंक, हु इज द गवर्नर ऑफ नेपाल राष्ट्र बैंक, आंसर विल बी चिरंजीव, ठीक है। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है लिस्ट ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019, जो कि सिडनी बेस्ड लॉवे इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये नहीं। कौन सी देश ने टॉप किया है लिस्ट ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 का, जिसको कि सिडनी बेस्ड लॉवे संस्था द्वारा जारी किया गया है। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ग्लोबल डिप्लोमेसी, ओके, ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स की बात आपसे कर रहा था, टॉप करने वाले का पूछा था, ठीक है। तो जो इंडेक्स थी उसमें कुछ 61 कंट्रीज का नाम था, टॉप करने वाली आपकी जो कंट्री थी दैट वाज चाइना, जिसके बाद यूएसए, फ्रांस, जापान और रशिया थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी चाइना, दिस वॉज द टॉपर कंट्री। एक हमारा आज का आखिरी सवाल है कि कौन से मंथ को टारगेट किया गया है सरकार द्वारा कि वो 1.34 करोड़ स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल कर देगी, दिसंबर 2019, मार्च 2020, जनवरी 2020, अप्रैल 2020 या कुछ भी नहीं। द आंसर इज सी, दिस वाज वेरी इजी, ठीक है। SLNP जो है वो SLNP समझ रहे होगे आप लोग, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, जिसका कि एम पहले था कि वो भारत में सभी जो है रिप्लेस कर देगी बाकी लाइट्स को, और वहाँ पर आपकी LEDs लगा देगी लगभग 1.34 करोड़,
कन्वेंशनल लाइट्स को रिप्लेस करके एलईडीज लगेंगी, लेकिन 2019 से उनका टारगेट उठाकर और 2020 कर दिया गया। अभी फिलहाल जो टारगेट करिए वो 2020। कौन सा प्रोग्राम होता है? SLNP यानी कि स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, ठीक है, जिसके तहत 1.34 करोड़ एलईडी लाइट्स लगाए जाएंगे मार्च 2020 तक। ओके, चलो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आपको सेशन पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये तो हमारा आज का ट्रेलर था। अगर आपको सेशन पसंद आया फिर मैं कहूंगी कि हाँ भाई ठीक है, एक बटन ही तो प्रेस करना है, ठीक है। ये तो बस ट्रेलर है जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं हाफ एन आवर की क्लास में। इसके अलावा 1 आवर की क्लास आपकी प्लस पे भी चलेगी, वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। हालांकि कई बार बता दिया है बट फिर भी आप लोगों के क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं कैसे ज्वाइन करना है क्या करना है, उसको मैं एक बार आपको फिर से जो है ना क्लियर कर दे रही हूँ कि आप लोगों को करना क्या क्या है। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग लगातार ग्रुप पे भी ये बातें चलती हैं, मेरे पास पर्सनल भी आता है मैम मुझे क्या करना होगा, मुझे कैसे करना होगा। तो जस्ट फॉर दैट देख लीजिए भाई क्या करना है आपको। ये देखो गूगल प्ले स्टोर पे आपको जाना है। प्ले स्टोर पे जाके क्या करना है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखना है, ठीक है। देखो प्लस का फायदा क्या है, यहाँ पे आपने हाफ एन आवर में इतनी सारी चीजें देख ली। अब दिन आपके पास बहुत कम है और हमें बहुत सारी मेहनत करनी है, तो यहाँ पे हाफ एन आवर क्लास, वहां पे 1 आवर की क्लास, एकदम से जब लग जाओगे ना फिर एक बार आप लोग प्लस परचेज कर दोगे ना उसमें आपको तमाम क्लासेस मिल जाएंगी जो भी चल रही है। ओके, तो जब आप लोग जाओगे प्ले स्टोर पे आपको लिखना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, लिख दिया आपने लर्निंग ऐप, फिर इस तरीके से कुछ आ जाता है, आप इसे इंस्टॉल करोगे, ओपन करोगे। इसके बाद में आपको ऑप्शन देता है गोल सिलेक्ट करने का। गोल क्या होगा आपका? बैंक एग्जाम, इंश्योरेंस बैंक में इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर देखिएगा इस तरीके से कुछ खुलकर आता है, जरूरी नहीं है मेरी फोटो, किसी की भी फोटो हो सकती है यहाँ पे। प्लस नीचे ऑप्शन दिया होता है, यहाँ 3 बार होता है जहां पे भी आपको प्लस का ऑप्शन मिल सकता है। प्लस पे क्लिक किया ऐसा कुछ खुलकर आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन। अब फिर देखिए इसके बाद में आपको प्लान्स दिखाएगा कि आप किस में इंटरेस्टेड हो। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 1000 पर मंथ, 6 महीने का 800, 12 महीने का 500, 24 महीने का 400। बहुत आसान चीज है, कोई भी टफ चीज नहीं है, आपको जो समझ आ रहा है। अगर आपको सिर्फ LIC करना है तो एक महीने का आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो LIC के साथ IBPS क्लर्क और RBI जो कि नोटिफिकेशन आ सकती है, मैं कई बार आपसे कह चुकी हूँ नोटिफिकेशन आ चुकी है, आ सकती है, आई नहीं है, मैं आपको मिस गाइड नहीं करूंगी कि आ गई है नोटिफिकेशन, नो आने के चांसेस हैं जैसा बताया जा रहा है, इनसाइडर से बताया गया है। इसके साथ ही साथ आपके कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को बताया जा रहा है मर्ज कर दिया जाएगा मार्च तक, ये भी अंदर की खबर है जो हम लोगों को पता चला है। ओके, तो अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ लंबे समय के लिए तो गो फॉर अदर्स, लेकिन अगर आपका सिर्फ ये प्लान चल रहा है गो फॉर 1 मंथ, ठीक है। बिगिनर हो गो फॉर 12 मंथ, और अगर SBI तक का आपका टारगेट है गो फॉर 6 मंथ। RBI और IBPS, RBI जो कि आ सकता है, IBPS जो कि आ चुका है उसका टारगेट है गो फॉर 3 मंथ। सिर्फ और सिर्फ आपका यही असिस्टेंट का टारगेट है गो फॉर 1 मंथ, ठीक है। आपने अपना प्लान सेलेक्ट किया, अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स दिखाएगा आपको कि 1 महीने का हो रहा है या 3 महीने का आपने लिया, ये दिख रहा है और आपको नीचे दिखा रहा है 3000। फिर पूछेगा रेफरल कोड, रेफरल कोड आप लोग लगा दोगे सुष्मिता 10। अब इतनी मेहनत कर रही हूँ यार, सब कुछ कर रही हूँ तो फिर कोड मेरा ही लगा दो, ठीक है, क्योंकि इतना तो आपको क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, इंश्योरेंस कैप्सूल कंपाइल दिया जा रहा है, तो इतना तो कर सकते हो ना, ठीक है। सुष्मिता 10 आपने कोड लगा दिया, ये लगाया, उसके बाद में जितना भी दिख रहा है आपको ये सब दिख रहा है आपको, जैसे आपने कोड लगाया तुरंत आपको 10% ऑफ मिल जाता है, और ये आपका 3000 से 300 हटा लेंगे आप लोग, 2700 हो जाएगा, 2700 आपका बिल हो जाएगा, ये आपको पेमेंट करनी होगी, ये आपके बिलिंग इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे भी आप इंटरेस्टेड हो आप उसको पेमेंट कर सकते हो। ये आपको फिर दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अपनी क्वेरी कर सकते हो, जो भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है। आप जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे थे, एक रनिंग बैच है मेरी LIC की और बाकी अभी जो है शुरू होने वाली है 5th December से, जिसका प्लान मैं डिस्कस आपसे कर चुकी हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। एक बार आप प्लस परचेज कर लोगे, जितनी भी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GA जो भी पढ़ा रहा है सबकी क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हो। अनअकैडमी पे जो भी है सबकी क्लास देख सकते हो, नॉट जस्ट वाईफाई स्टडी, जो भी अनअकैडमी पे पढ़ा रहा है रिलेटेड टू बैंक सबकी क्लासेस आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा द कोड विल बी सुष्मिता 10, ये कोड होना चाहिए आपका। ओके, चलो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे ज्वाइन करना है, वही बताया गया। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।